बताओ कौन सा हो गया था? 58। फिफ्टी नाइन किया हो गया। कितना रहा? 40। टू वायर्स आर मेड ऑफ सेम मटेरियल एंड सेम लेंथ बट रेशियो ऑफ देयर क्रॉस सेक्शन इतना है। चलो कर लेते हैं जल्दी जल्दी। टू वायर्स मेड ऑफ सेम मटेरियल बट सेम लेंथ, ठीक है। हाँ 40 आ रहा होगा, सभी का आ रहा है, सही है। चलो 60 वाला हो गया, क्या आ रहा है? ठीक है 61। कॉपर सिलिकॉन है ना, इसको ये सिलिका है, क्या बोलता है? अच्छा कॉपर और सिलिकॉन है, तो इसमें क्या कर रहे हैं अपन? यहाँ 300 केल्विन से 60 केल्विन तक कर रहे हैं, तो कितना हुआ? मतलब हम इसको टेम्परेचर डाउन कर रहे हैं, टेम्परेचर डाउन करेंगे तो कॉपर का तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा और सिलिकॉन का कम होगा, ठीक है। ऐसा होगा कि उल्टा होगा? उल्टा होगा। कॉपर का क्या होगा? क्योंकि कॉपर का कम होगा, सिलिकॉन का बढ़ेगा, ठीक है। और बढ़ते बढ़ते ये अगर इसको 0 केल्विन कर देते हैं तो फिर सिलिकॉन का रेजिस्टेंस बढ़ते बढ़ते क्या हो जाता है? सिलिकॉन का, ठीक है, इन्फेनाइट हो जाता है। मतलब वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। तो हम कह सकते हैं कि 0 केल्विन पर ये इन्फेनाइट रेजिस्टेंस यानी इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। चलिए तो कौन सा आंसर होगा? कॉपर का कम होना चाहिए, कॉपर डिक्रीज सिलिकॉन इंक्रीज, ए ठीक है। चलो 62 पे आ जाओ, 16 आ रहा है, चेक कर लेते हैं। आ रहा है, सभी का आ रहा है, ठीक है। नहीं आ रहा 16, चलो चेक करो, अगर किसी के एक का भी नहीं आ रहा तो देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक लैंप वर्क्स 80 वोल्ट एंड 10 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट फॉर ऑपरेटिंग इट 240 वोल्ट द रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज। अच्छा क्वेश्चन है ये, इसमें क्या बोल रहे हैं देखो, वो कहता है कि आपके पास एक बल्ब है, ये हो गया बल्ब, बल्ब पर 80 वोल्ट लिखा है और इसमें 10 एम्पियर करंट जा सकती है। अब इसको हमें 240 वोल्ट पर ऑपरेट करना है, कितने वोल्ट पर? 240। अब 240 डायरेक्ट इसको दे देंगे, इसको तो चाहिए 80, तो 80 से ज़्यादा ये सहन कर नहीं सकता है, तो ये बेकार हो जाएगा, इसका जो बल्ब है वो फ्यूज़ हो जाएगा। तो अब बल्ब को फ्यूज़ होने से बचाएं हम और बल्ब जलता भी रहे, तो क्या करना पड़ता है? इसके सीरीज़ में हमें एक रेजिस्टेंस लगाना पड़ता है, जिससे कि 240 में से 80 तो इसको मिलते रहें और बाकी के इसको मिल जाएँ। ये 240 को ड्रॉप कराना है, तो 240 अगर डायरेक्ट दे दिए तो पूरे इस पे आएंगे, तो 240 में से 80 इसको दे दो और कितने बचे? कितने? 160। तो 160 वोल्ट यहाँ पर आना चाहिए, ठीक है, ये यहाँ पर ड्रॉप हो गए, तो इसको 80 मिलते रहेंगे और ये फुल इंटेंसिटी के साथ ग्लो करता रहेगा, क्योंकि इसको फुल इंटेंसिटी से चमकने के लिए 80 वोल्ट चाहिए, तो 80 वोल्ट दे दिए हमने, बाकी के कहाँ गए? बाकी के उधर ड्रॉप होंगे रेजिस्टेंस पे। तो ये रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है? तो ऐसा सोचो ये 10 एम्पियर है तो इसमें भी 10 एम्पियर जाएगी, तो सिंपल अब ओम्स लॉ लग जाएगा, V इक्वल टू आई आर। तो V कितना है? 160। I आपके पास 10 है, कितना है? 10 एम्पियर था ना, और R निकालना है, तो ये कितना आया? 16 आया, 16 आएगा, ठीक है। चलो अब आ जाओ 63 हो गया, 35 आ रहा है। टू बल्ब्स ईच ऑफ 50 वोल्ट ड्रॉ 2 एम्पियर करंट, ए बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज ऑन 120 वोल्ट लाइन, हाउ मच रेजिस्टेंस शुड बी? वही है, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। देखो जरा, टू बल्ब ईच ऑफ 50 वोल्ट ड्रॉ 2 एम्पियर करंट, ये बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज ऑन 120 वोल्ट लाइन। मतलब आपने दो बल्ब लिए, ये दो बल्ब हैं और सभी 50 वोल्ट के हैं और दोनों में 2 एम्पियर करंट जा रही है,
दोनों को 120 वोल्ट लाइन पर कनेक्ट कर दिया है, तो बताइए सीरीज़ में कितनी रेजिस्टेंस ऐड करनी पड़ेगी, हाउ मच रेजिस्टेंस शुड बी एडिट जिससे कि 2 एम्पियर करंट बनी रहे। तो आप देख रहे हैं इसमें 2 जाएगी, इसमें 2 जा रही है, इसमें भी सीरीज़ में 2 ही जाएगी, बस 120 है, ये 100 हो गए टोटल, ये 20 बचे, यहाँ कितने वोल्ट बचे 20। यहाँ सिंपल ओम्स लॉ लगा लो, वी इक्वल टू आई आर, वी कितना है 20, आई कितना है 2, आर निकालना है, आर कितना आ गया 10 ओम, 10 ओम आ रहा है, ठीक है, इस पे आ जाएगा 10 ओम, क्लियर हुआ। नेक्स्ट बोलो, हो गया, ये वाला करवा दिया था, ठीक है, 65 हो गया, 66 कोई अगर दिक्कत दे रहा हो तो बताओ, हो गया था 67, आंसर क्या आ रहा है सबके, अगर कॉमन आंसर आ रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज फिर मैं करता हूँ, बताओ 66 का क्या आ रहा है, 1 एम्पियर, कितना आ रहा, नहीं आ रहा, चलो चेक करते हैं 66। यू आर गिवन 4 सेल ऑफ 1.5 वोल्ट एंड 0.25 इंटरनल रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज सच दैट दे आर अपोजिट टर्मिनल कनेक्टेड टुगेदर, इफ वन सेल इज रिवर्स्ड करंट फ्लोइंग थ्रू 2 ओम में, तो आई इक्वल टू क्या होगा, हमें फॉर्मूला पता है एन ई माइनस 2XE अपॉन नेट रेजिस्टेंस, यही होता है, N कितने सेल हैं, 4 सेल हैं, 4E माइनस, अच्छा E की वैल्यू कितनी है, N इंटू E की वैल्यू कितनी है 1.5, N हो गया 4, E हो गया 1.5 माइनस 2, कितने रिवर्स किए हैं 1 सेल, X1 E है 1.5 डिवाइड बाय नेट रेजिस्टेंस बताओ, एक का 0.25 है तो चारों का इकट्ठा ऐड होता है ये, तो 0.25 इंटू 4 कर दो, 1 आ गया, और ये 2 कहाँ है, एक्सटर्नल है, तो कितने हो गए 3, ये ठीक है, बस सॉल्व कर लो, 6 ये हो गया, 6 माइनस 3, 3 बाय 3 1 आया, यार आएगा देखो, वन एम्पियर आ रहा है, ये आ रहा था सभी का। फाइंड करेंट इन इट्स एंड इट्स डायरेक्शन, अगला क्या है, हाँ इसको ये किया किसी ने, चलो देखते हैं इसमें, इसमें आप क्या करो, करंट की डायरेक्शन बतानी है ना, तो हम ऐसा कर सकते, बोलो क्या करें, लूप बना लो, या ऐसा कर लो कि करंट किधर से किधर जाएगी इसमें डिसाइड हो रहा है क्या, पहली बात तो भले ये एरो दिया ना, ये एरो भूल जाओ, हो सकता है क्योंकि इसमें तो ए टू बी टू ए भी दिया, ए टू बी भी दिया, तो ये एरो से नहीं जाएंगे हम, तो सोचेंगे एक 10 बोल्ट का एक 4 बोल्ट का है, दोनों कैसे हैं सीरीज़ में, सीरीज़ में है कि नहीं है, तो 10 बोल्ट के जो बड़ा है, अच्छा ये दोनों ही कैसे हैं, एंटी सीरीज़ है, एक सीरीज़ है, एंटी सीरीज़ है, तो ये इसके ये वाला जो सेल है इसके पॉजिटिव एंड से करंट बाहर निकलना चाहिए, ठीक है, क्योंकि केवल 2 ही सेल हैं, और इधर से भी आप कहोगे इधर से बाहर निकलेगी, लेकिन इफेक्ट किसका ज़्यादा रहेगा, 10 वोल्ट का, तो अल्टीमेटली करंट कैसी जाएगी, जो डायरेक्शन दी हुई है ना इसी डायरेक्शन में ही जा रही होगी, पहली बात तो ये, क्यों, क्योंकि ये 10 वोल्ट है 4 वोल्ट है और सीरीज में है, इसका इफेक्ट ज़्यादा होगा, तो इधर से जाएगी, मतलब एक सेल चार्ज हो रहा होगा और एक डिस्चार्ज हो रहा होगा, क्योंकि इसके अंदर 4 बोल्ट के अंदर क्या हो रहा है, प्लस के अंदर जा रही है, तो वो चार्ज हो रहा है, और बड़ा वाला 10 बोल्ट है उससे बाहर निकल रही है पॉजिटिव एंड से, मतलब ये डिस्चार्ज हो रहा है। अब नेट करंट निकालें कितनी, तो ये एंटी सीरीज में क्या होता है, माइनस करना पड़ता है 10 माइनस 4, ठीक है, और अगर ये सीरीज होता ऐसा होता
तो फिर ये ऐड हो जाते, समझ रहे हैं? अगर ऐसा हो तो ये सीरीज है, ऐड होंगे। अगर ऐसा है या ऐसा है तब भी एंटी सीरीज है, तो क्या होगा? माइनस होगा। तो 10 माइनस 4 हुए 6, डिवाइड बाय नेट रेजिस्टेंस 1 और 2 3 3 6, करंट आई 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर करंट आ रही है कहाँ से? दिस पॉइंट थ्रू ई, ए टू बी बाय ई। तो लिख लो कहाँ से, कौन सा है, कौन सा हो जाएगा, 1 एम्पियर फ्रॉम ए टू बी, ये बी हो जाएगा, ठीक है। सिक्सटी एट हो गया था क्या? एक बार और देख लो, इफ पोटेंशियल डिफरेंस इज अक्रॉस फर्स्ट सेल इज जीरो, वी इक्वल टू जीरो है, देन वैल्यू ऑफ आर, इस आर की वैल्यू निकालनी है। ये ई वन है या आर वन है, ये ई टू है या आर टू है। अच्छा, ई वन ई टू अलग अलग थे कि सेम थे? देख लेना उसमें, सही प्रिंट नहीं है यहाँ पे, सेम है। चलिए तो ई वन और ई टू को सेम कर देता हूँ। अब यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है पहले वाले सेल के अक्रॉस, तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालते कैसे? वी इक्वल टू ई माइनस आई आर, क्योंकि दोनों ही कैसे हैं, सीरीज में, तो ये डिस्चार्ज हो रहे हैं दोनों। वी तो जीरो, ई स्मॉल ई, आई क्या होगा? अब सीरीज में ना, तो ई और ई क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा, टू ई डिवाइड बाय नेट रेजिस्टेंस आर वन प्लस आर टू प्लस आर, और ये कौन सा रेजिस्टेंस, इसका, वो क्या है, आर वन, ठीक है। तो अब देखोगे जीरो इक्वल टू, और या इस ई को इस तरफ शिफ्ट कर दो, माइनस ई इक्वल टू माइनस टू ई अपॉन आर वन प्लस आर टू प्लस आर। देखो माइनस ई से माइनस ई काट दो, तो हमारे पास ये आया, इसका यहाँ मल्टीप्लाई किया, आर वन प्लस आर टू प्लस आर इक्वल टू कितना आ गया, ये इधर आर वन चल रहा था, टू आर वन। अब देखो अपने को आर निकालना है, टू आर वन में से आर वन गया आर वन, और ये आर टू इधर आया आर टू, तो आर वन माइनस आर टू, ठीक है, यही हो जाएगा। सिक्सटी नाइन करें, ईएमएफ ऑफ सेल इज 2 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस इज 2 ओम, ये ओम है, ये आ रहा है। व्हेन कनेक्टेड विद अ वोल्ट मीटर ऑफ 998 ओम, एरर इन द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, ये हो सकता है, आया ये आ रहा है सबका? चलो देखो, वो कहता है EMF of cell is 2 volt, internal resistance 2 ohm, when connected with voltmeter, मतलब एक सेल रहा होगा जिसका EMF है 2 volt और internal resistance है 2 ohm, when connected with a voltmeter of, और इसको कनेक्ट किया 998 voltmeter से, error in the reading of voltmeter, ये हमने voltmeter लगा दिया, रीडिंग कितनी है 998 ओम, एरर इन द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, ये निकालना है। तो पहले तो इस पर वोल्टेज निकाल लो कितना आ रहा है इस 998 पर, तो एक काम करें पहले करंट निकालें, आई इक्वल टू क्या होगा, बी बाय आर से, बी कितना है इसका 2 वोल्ट,
रेजिस्टेंस 998 और 2000 हो गया, 2 मिली एम्पियर करंट आ गई, आ गई। अब इस पे वोल्टेज कितना आएगा, 998 कितना मेजर करेगा, ये V इक्वल टू IR से, ठीक है। V कितना है, V कितना है, ये V निकालना है। I कितना है, 2 इंटू 10 टू द पावर -3, और R कितना है, 998, यही है। इसका मल्टीप्लाई करो 2 में, इंटू 10 टू द पावर -3 करो, करो वन पावर -3 बने रहने दो, ऐसा कर देना 1996 10 टू द पावर -3 बोल्ट, ठीक है। अच्छा अब ये तो बोल्ट मीटर की रीडिंग आई, लेकिन एग्जैक्ट क्या होगा, वो V इक्वल टू एग्जैक्ट तो ये होगा ना, वो V इक्वल टू ई माइनस आई आर से निकालेंगे, ठीक है। एग्जैक्ट निकालो V इक्वल टू ई माइनस आई आर से, E कितना है 2, I कितना आया, आई ये रहा 2 इंटू 10 टू द पावर -3, ठीक है। स्मॉल r कितना है, स्मॉल r बोलो 2 है, बोल्ट कितना दिया था, 2 दिया था, करंट कितनी आ रही 2 इंटू, यहाँ पर कितना आ रहा है 2 इंटू, हाँ पावर -3 आ रही है ना, ठीक है। तो इसको हम 1 पॉइंट कितना कर लें, बोल ठीक है, यहाँ कितना आ जाएगा 2 माइनस 2 इंटू, ये कितना हो गया 4, बोलो कितना हो गया 0.004, 2 में से माइनस करो, और वैसे भी ये तो 2 ही था ना, ये तो एग्जैक्ट तो 2 था, ये अपन क्यों मेजर कर रहे हैं, ये निकाल तो लिया, एग्जैक्ट 2 था ना, तो कितनी एरर आई, ये 2 में से माइनस कर दो ये, ठीक है। एरर का मतलब होता है कि जो एग्जैक्ट वोल्टेज है उसमें से जो हमने मेजर करके लिया है वो माइनस करना है, करो माइनस कर दो बस, कितना आया 0.004, मतलब ये आ जाएगा ए, ठीक है। एरर ही तो निकालनी थी, डेल्टा भी मतलब जो एग्जैक्ट क्या है 2 है, इसमें से ये जो वी आया है वो माइनस कर दो, ये एरर है। अब वो कहता है कितने परसेंट एरर हुई, 4% एरर हो गई इंटू 100, हाँ नहीं ऐसे करें, ई माइनस बी बाई वी, ये फार्मूला होगा ई माइनस बी बाय ई, इनिशियल कितना था इंटू 100, ई माइनस बी बाय ई इंटू 100, ई माइनस बी कितना हुआ, मतलब एरर अपॉन ओरिजिनल इंटू 100, ये फार्मूला होता है। ई माइनस बी कितना आया आपके पास, ये आया था 4 इंटू 10 टू द पावर -3 बाय ओरिजिनल कितना था 2, ठीक है। तो कितना आया देखो, इंटू 100 और करना पड़ेगा ना, इंटू 100% कितना आ गया, 2% आएगा। ई माइनस बी परसेंटेज एरर का फार्मूला पढ़ा है अपन ने 11th में, डिफरेंस अपॉन ओरिजिनल, डिफरेंस अपॉन इनिशियल जो एग्जैक्ट था, एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते थे, डिफरेंस अपॉन करेक्ट वैल्यू, तो करेक्ट वैल्यू ई है, ये डिफरेंस है, एरर है, तो एरर अपॉन करेक्ट वैल्यू इंटू 100%, ठीक है। कितना आया 0.2%, ठीक है। चलो 71 फॉर वाट वैल्यू ऑफ आर
इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, इसका डायग्राम नहीं छपा क्या? इसका डायग्राम नहीं है, छोड़ो तो फिर 72 पे आ जाओ। पोटेंशियल एट ई, ई किधर है? इधर कहीं पॉइंट रहा होगा। चलो इसका पोटेंशियल निकालना है, ये 1 ओम है, ये कितने कितने ओम लिखा है देखना इसको, 5 ओम। ठीक है, ये 8 वोल्ट की बैटरी है, ये पॉइंट सपोज ई है, या ई पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, तो अपने को ये प्रिंट नहीं है ना, तो अपन कोई कहीं भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कहाँ निकालें बोलो, इधर निकाल लूँ? इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा? हम किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल निकाल सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले करंट निकालो, करंट क्या होगा? ई वाई आर, ई मतलब 8 वोल्ट डिवाइड बाय आर, 5 और 1 6। ठीक है, आई इक्वल टू कितना आ गया? 4/3 एम्पियर। अब मुझे मालूम है कि यहाँ का पोटेंशियल 0 वोल्ट है, ई का निकालना है, तो मैं यहाँ से इसमें फार्मूला लगा लूँ, कौन सा? या तो किरचॉफ लॉ, ई से चलो 0 तक, या हमें मालूम है ये 0 है, ये नेगेटिव से जुड़ा है, तो ये कम ही होगा, माइनस में ही होगा। ठीक, तो या किरचॉफ लॉ से ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर, तो यहाँ से इस पॉइंट पर चलो, ये ई पॉइंट का वी ई हो गया। अब करंट तो ऐसी जाएगी ना इसमें, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल ये है, कहीं से भी लगा लो नहीं आएगा। देखो पहले इधर से देखो, ये वी हो गया, अब बताओ क्या करूँ, माइनस या प्लस? करंट ऐसी जा रही है, प्लस आएगा, प्लस आई कितना बताओ? 4/3, आर कितना? 1 है, पहुँच गए 0 पे 0, तो ई वी ई कितना आया? माइनस का 4/3 वोल्ट, ये आंसर है। अब कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो बताओ? अगर हम इधर से ई से स्टार्ट करके कहाँ पहुँचे, इधर करके देख लेते हैं, ई से स्टार्ट कर दो, यहाँ पहुँच जाओ, देखो ई का हो गया वी ई। अब माइनस से प्लस पे गए तो +8, आगे बढ़े डायरेक्शन में माइनस आएगा, 5 × कितना? 4/3, पहुँच गए 0 पर, वी ई देखो इधर कितना आ गया, ये 24 - 20 4। ठीक है, प्लस के 4 हुए ना, इधर गए तो माइनस 4/3, देखो वही है, सेम आ रहा है, हो गया। चलो 73 बताओ कितना, 2 एम्पियर आ गया सबका। 74 बताओ, हाँ ये दोनों कट जाएंगे, ये दोनों हटा देना, कोई अगर नहीं आपको समझ आए तो बता देना, मैं कर दूंगा। 75 7 आ रहा है सबका। 76.8 ठीक है। 77 नहीं आया, देखो 77 इन ओपन सर्किट ईएमएफ ऑफ सेल इज 4.4, ईएमएफ कितना दिया है? 4.4 वोल्ट। 70 कौन सा कर रहे हैं? 77 अच्छा, व्हेन एक्सटर्नल सर्किट इज 3.75 ओम, तो आर इक्वल टू क्या है? 3.75 ओम, देखते चलना। एंड करंट, करंट कितनी जा रही है? 0.5 एम्पियर। एंड व्हेन रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज कनेक्टेड, करंट इज 0.4 एम्पियर, देन ईएमएफ ऑफ सोर्स। अब वो कहता है जब हम 1 ओम कनेक्ट करते हैं तो करंट 0.4 हो जाती है। एक्सटर्नल कितना है? 3.75 है, V इक्वल टू ई माइनस आई आर लगा लो, लेकिन V की जरूरत नहीं है इसमें, ये कहाँ दिया है? स्मॉल आर कहाँ है? दो इक्वेशन बना लो ना,
ऐसा सोचो, जब ये है तो करंट इतनी है, जब ये है तो करंट इतनी है, दो इक्वेशन बना लो। तो इसके लिए हम लगाएं, I इक्वल टू E बाय R प्लस स्मॉल r। तो I कितना है पहले 0.5, E पता नहीं है, R 3.75 प्लस स्मॉल r भी पता नहीं है। दूसरा देखें, अब करंट कितनी है 0.4 एम्पियर, E पता नहीं है, रेजिस्टेंस अब कितना है 1 ओम है प्लस स्मॉल r, ठीक है, करंट 0.4 हो गई, लेकिन रेजिस्ट यहाँ पर क्या हो रहा है 1 ओम हमने ऐड किया तो करंट कितनी हो गई 0.4, लेकिन लेकिन वो जोड़ना पड़ेगा 1 ओम 4.75 लेना पड़ेगा। बताओ क्यों लेना पड़ेगा, इसलिए लेना पड़ेगा कि करंट यहाँ पर कम हो रही है, सेल वही है और करंट कम हो रही है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस बढ़ाया गया होगा। तो वो ये जो 1 ओम अगर मैं लिखता हूँ तो पहले 3 था, ये 3.75 था, अब अकेला 1 लिखता हूँ तो फिर तो करंट बढ़नी चाहिए, जबकि इसमें तो डिक्रीज़ हो रही है। तो इसका मतलब कुछ ये मीनिंग निकल रहा है इसका कि 1 ओम इसके साथ ऐड कर दिया है सीरीज़ में, ठीक है, तो 4.75 आर हो गया। अब इन दोनों इक्वेशन से हम पहले तो डिवाइड कर लो दोनों को, तो स्मॉल आर की वैल्यू आ जाएगी, ई से ही कट ही जाएगा। और पूछा क्या है, ई एम एफ ऑफ सोर्स पूछा है, जब स्मॉल आर आ जाए तो किसी भी में रख देना तो ई की वैल्यू आ जाएगी, कर लोगे, कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या तो डिवाइड कर लो तो ई से ही कट जाएगा, स्मॉल आर की वैल्यू आ जाएगी, और उसके बाद स्मॉल आर कहीं भी रख दो तो ई की वैल्यू आ जाएगी। अब आप कर लेना 78 12.5 ये आ रहा है सभी का, किधर चला गया, ये नहीं किया होगा 79, और ये वाला 80, और एक दो और मिलेंगे जिसमें कैपेसिटर भी जो होता है उनको सॉल्व करने का तरीका अलग है, जरा देखते हैं अपन, ध्यान से समझना पहला वाला, ये वाला फिर आप करें दूसरा वाला। इन स्टेडी स्टेट चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर विल बी, स्टेडी स्टेट में सभी कैपेसिटर्स पर चार्ज कितना है ये पूछा है। देखो इसका डायग्राम क्लियर कर दूं मैं, ये बैटरी है, ये कैपेसिटर जुड़ा है, ये भी है, ये है, ये है, दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होता है ये। पहला कॉन्सेप्ट ये है कि स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाता है और उसमें से कोई करंट नहीं जाती, मतलब वो करंट को रोक देता है, पहला कॉन्सेप्ट ये है। तो स्टेडी स्टेट की बात कर रहा है, मतलब किसी भी कैपेसिटर से कोई करंट नहीं बह रही है, और जब कैपेसिटर से कोई करंट नहीं पास हो रही है तो जिस ब्रांच में कैपेसिटर है उस पूरी ब्रांच से करंट नहीं जाएगी, और वो हमारे लिए करंट निकालने के लिए तो यूज़लेस हो जाएगी, ठीक है। तो अगर मैं ये निकालना चाहूँ कि इस बैटरी से कितनी करंट पास हो रही है, ये बैटरी कितनी करंट दे रही है, ये आई निकालना चाहता हूँ, तो हमें देखना पड़ेगा करंट इस ब्रांच में जाएगी क्या नहीं जाएगी, इसमें जाएगी क्या नहीं जाएगी। तो करंट किस में जाएगी, केवल इस वाली ब्रांच में, यानी करंट की डायरेक्शन, करंट के लिए ये पाथ होगा केवल, ठीक है। तो बाकी के भूल जाएंगे, केवल इस पाथ को देखो, और I इक्वल टू बी बाई आर, बी कितना है 10, रेजिस्टेंस कितना 4, ये हो गया, और एक ये हो गया 5, तो करंट 2 एम्पियर आ गई हमारे पास, ठीक है। अब इसके बाद दूसरी स्टेप आती है, उसने ये जो कैपेसिटर्स हैं इनके इन पर चार्ज पूछा है, कितना चार्ज इनमें भरा है, तो Q इक्वल टू C भी हम जानते हैं, तो C तो दिया ही है 3 माइक्रोफेराड सभी का, V और मिल जाए तो चार्ज आ जाएगा। V का मतलब है कि अगर हम इन ब्रांचेस को देखें, PQ,
ए बी एंड ऊपर वाली ब्रांच, इसको मैं आर एस मान लूँ, ये तीनों ही ब्रांच कैसी हैं, आपस में पैरेलल हैं, तो किसी एक ब्रांच के अक्रॉस अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस पता चल जाए तो वही पोटेंशियल डिफरेंस सभी ब्रांचेस के अक्रॉस होगा। तो किस ब्रांच के अक्रॉस निकालना आसान है बताओ? ए बी के अक्रॉस निकालना आसान है, क्योंकि ए बी में करंट मालूम है और रेजिस्टेंस भी मालूम है, वी इक्वल टू आई आर। आई कितना है? 2। आर कितना है? 4। कितने हो गए? 8 बोल्ट, यानी 8 बोल्ट हमारे पास आ गया। ये 8 बोल्ट ऊपर आर एस के अक्रॉस भी रहेगा, यही 8 बोल्ट पी क्यू के अक्रॉस भी रहेगा। अब ये जो 8 बोल्ट है वो इस रजिस्ट इसमें कैपेसिटर में बटेगा, इस रेजिस्टेंस पर नहीं बटेगा। क्यों? रेजिस्टेंस में पोटेंशियल ड्रॉप तब होते हैं जब उसमें करंट फ्लो हो रही हो, तो इसमें करंट फ्लो तो हो ही नहीं रही। कैपेसिटर में पोटेंशियल ड्रॉप तब भी होते हैं जब करंट फ्लो ना हो रही हो लेकिन वो चार्ज हो, और ये फुली चार्ज है, ये भी फुली चार्ज है, तो करंट तो नहीं बह रही, तो इसमें पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होंगे। पोटेंशियल ड्रॉप किस में होंगे? केवल इसमें, इसमें। तो इसका मतलब आर एस के अक्रॉस टोटल कितने? 8। तो ये तीन माइक्रोफेराड, तीन माइक्रोफेराड पर कितने होंगे? चार चार होंगे, बराबर कैपेसिटेंस है ना, तो आधे आधे बढ़ जाएंगे। तो अगर मैं आपसे कहूं कि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर कितना हुआ, बोलो 4 वोल्ट हुआ कि नहीं, तो फिर चार्ज निकालना है। क्यू इक्वल टू सी वी, सी कितना है? 3 है। वी कितना है? 8 है। कितना आ गया? नहीं, वी 8 कहाँ है, वी 4 है। सी कितना था? 3, और ये था 4, तो 12 आ गया, 12 माइक्रो कूलम। ठीक है, ये भी 12, ये भी 12, ये भी 12, सब में चार चार, सभी में 12 माइक्रो कूलम आएगा। समझ आ गया? नेक्स्ट करें। यस, नेक्स्ट। करंट इन 2 ओम, इस 2 ओम में करंट पूछिए, इस वाले में। ये कैपेसिटर है तो बताओ इसमें करंट जाएगी क्या? नो, करंट ये बैटरी इसमें भेजेगी इधर। तो पहले तो नेट करंट निकाल लो, कितनी करंट बैटरी भेज रही है। आई इक्वल टू वी बाई आर करके, वी कितना है? 6। आर कितना है? देखो 2 और 3 पैरेलल हैं, तो 2 3 6, 6 बाय 5, तो 6 बाय 5 प्लस ये 2.8 1.2 एंड 2.8 क्या? अरे ये 2.8 है, ये 6 बाय 5 क्या होता है? 1.2 और 2.8 कितने हो गए? 4, तो 6 बाय 4 यानी 3 बाई 2 यानी 1.5 एम्पियर गई इधर से। आई इक्वल टू जा रही है 1.5 एम्पियर, लेकिन हमें ऊपर 2 ओम में निकालनी है, तो बांट दो करंट के, बांटने का तरीका क्या है? तो इसमें निकालनी है, मान लो इसमें है I1, इसमें है I2, तो I1 इक्वल टू क्या होगा बोलो? R2 या R1? करंट कैसे बढ़ती है? पैरेलल में V इक्वल टू IR, और पैरेलल में V कांस्टेंट, तो R और I में क्या रिलेशन होगा? इन्वर्सली का, इन्वर्सली है तो क्या होगा? R2 बाई R1 प्लस R2 इंटू नेट करेंट। R2 कितना है? R2 कितना है? 3, 3 2 5 इंटू आई 1.5, सॉल्व करो 3 बाई 2
0.9, ठीक है। बोलो ए बी एंड सी डी आर कनेक्टेड इन सर्किट, इन विच करेंट इज फ्लोइंग, नो करेंट फ्लोज दीज कंडक्टर इफ ए बी एंड सी डी इज कनेक्टेड बाय ई एफ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल कैसा है, अगर सेम है तो करंट जाएगी नहीं, तो करंट फ्लोस कौन सा लगाएं बोलो, ई एफ से कोई करंट नहीं जाएगी, ये है क्या? नो करंट फ्लोज थ्रू ई एफ, दूसरा करंट फ्लोज फ्रॉम ई एफ टू ई, करंट फ्लोज फ्रॉम ई टू एफ इफ पोटेंशियल ऑफ ई इज इक्वल टू ई का ए बी के बराबर हो जाए एंड बी, करंट फ्लोज फ्रॉम ई टू, करंट नहीं जाएगी, ठीक है, पहला पॉइंट है, तो पोटेंशियल सेम हो जाएगा अगर कंडक्टर है तो। चलो अगला 82 बताओ, ये दिया हुआ है सर्किट E1, E2, E3 के सबके कितने हैं? दो बोल्ट हैं, बस ये टर्मिनल देखना कैसे हैं, ये इधर है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, रेजिस्टेंस R1 R2 की 4-4 ओम है, करंट फ्रॉम A टू B में कितनी एम्पियर जाएगी? 2 एम्पियर, नहीं आया, चलो देखते हैं कैसे करते हैं इसको। देखो इसको करने का तरीका है, इस वाली ब्रांच से मान लो I1 करंट जा रही है, इससे मान लेते हैं I2 जा रही है, तो इसमें कितनी जाएगी बताओ, इधर से I2 आई, इधर से I1 आई, तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ से इसमें कितनी जाएगी, I1 प्लस I2 ये होगा। हम इसमें किरचॉफ लॉ लगा लें, इसमें किरचॉफ लॉ लगा लें, I1 I2 निकाल लें और दोनों का सम कर दें, तो पहले हम इसमें लगाते हैं क्लोज लूप, डी से स्टार्ट करें, डी सी बी ए डी, डी सी बी ए डी, बोलो क्या होगा, डी से सी पर जा रहे हैं तो पहले ई आ रहा है तो माइनस आएगा, फिर करंट तो इसमें ऐसी जा रही है, हम इसके अपोजिट जा रहे हैं तो प्लस I1 R1 आएगा, सी से बी पर कुछ नहीं इधर गए तो प्लस से माइनस की तरफ, तो माइनस का E2 आएगा, इक्वल डी पर पहुंच गए तो जीरो। अब आप वैल्यू पुट कर दो, E1 की कितनी है, 2 है, I1 पता नहीं है, R1 की मालूम है, 4 है, बोलो I1 कितना आया, 1 एम्पियर आया कि नहीं आया बोलो। अब ऐसे ही दूसरे लूप में चलो, ठीक है, ए से स्टार्ट करके फिर घूम के ए पर ही आ जाओ, नाउ क्लोज लूप क्या हो जाएगा, ए बी ई एफ ए, बताओ क्या होगा,
ए से बी पर गए, माइनस से प्लस की तरफ गए, प्लस ई टू, इधर कुछ नहीं, इधर गए, करंट ऐसी जा रही है, हम भी ऐसे ही आ रहे हैं, तो माइनस आई टू आर टू, माइनस से प्लस, प्लस ई वन, ई टू है, ई टू कौन सा था, ये ई थ्री है, बस ए पर आ गए, बराबर जीरो। ई टू टू है, माइनस आई टू पता नहीं है, इंटू आर टू चार है, ये भी टू है, बराबर जीरो। देखो आई टू भी फोर आ गया, दोनों फोर आ गए, तो इसमें जाने वाली आई ए बी कितनी हो जाएगी, दोनों का सम वन प्लस वन यानी टू एम्पियर। ठीक है, मीटर ब्रेस हो गया था, चलो आगे बढ़ते हैं। 83 कॉपी कर लो उसको। एसी बंद कर दे, बोलो। 83 बोलो, व्हेन ए बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस अ 9 ओम रेजिस्टेंस देन पोटेंशियल डिफरेंस चेंजेस फ्रॉम 40 वोल्ट टू 30 वोल्ट, आर कितना होगा, आया कि यही नहीं होगा, ये क्या है, वो कह रहा है 9 ओम। व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस 9 ओम, तो 9 ओम एक्सटर्नल है और पोटेंशियल डिफरेंस 40 से 30 हो गया, मतलब ये ई है ये वी है, जो कम है वो वी है और जो ज़्यादा है वो ई है, ये आर है, स्मॉल आर निकालना है, इसमें क्या है, कुछ नहीं है, है ना, क्या जाएगा बोलो, स्मॉल आर इक्वल टू ई बाय वी माइनस वन इंटू आर, ई कितना है 40 बाय 30 माइनस वन, आर कितना हुआ 9, तो 1/3 आ गया, आया कि नहीं। 84 पर आ जाओ, देर इज ए कॉन्स्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, इफ टू सेल्स वन आर, टू सेल्स वन कनेक्टेड आर हो गए, टू सेल्स आर कनेक्टेड सच दैट इनिशियली दे हेल्प इच अदर, और फिर अपोज कर रहे हैं, बैलेंस पॉइंट इन टू कंडीशन इतना इतना, चलो इवन बाय टू कितना आ रहा है 3:1, चलो चेक करते हैं। वो पहले कहता है कि दो सेल ऐसे कनेक्टेड हैं कि हेल्प कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं मतलब सीरीज में है, तो सीरीज में है तो नेट ईएमएफ कितना होगा, ई मान लेते हैं, ई वन प्लस ई टू, हेल्प करते समय ऐड होगा, अपोज करते समय माइनस होगा, तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है, ई इक्वल टू एक्स एल, तो ये वाला लगाओ पहले, ई वन प्लस ई टू बराबर एक्स एल, बैलेंसिंग लेंथ कितनी है पहले दिए क्या, 120 है, 120 सेंटीमीटर लिख दो नंबर एक। अब जब अपोज करेंगे तो क्या होगा, ई वन माइनस ई टू एक्स इंटू, अब लेंथ कितनी आएगी 60, बोलो कम क्यों हो गई, अपोज करने पर वोल्टेज कम हो जाएगा तो लेंथ भी कम हो जाएगी, वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ बताया था, दोनों को डिवाइड कर लो, ई वन प्लस ई टू डिवाइड बाय क्या, ई वन माइनस ई टू बराबर कितना, एक्सेस काटो 2 आया, आया हमें इवन बाय टू निकालना है, तो एक तरीका है क्रॉस मल्टीप्लाई करके इवन बाय टू निकाल लो, यह एक होता है कंपोडेंडो डिविडेंडो रूल,
इन दोनों को ऊपर सम करो, कितना हो जाएगा सम करोगे तो 2e1। फिर इन्हीं को ऊपर में से नीचे वाला माइनस करो, कितना हो जाएगा 2e2। हुआ कि नहीं? ऐसे ही यहाँ दोनों को ऊपर सम करो 3, नीचे माइनस करो, दो में से एक गया 1, आंसर हुआ 3:1। ठीक है, कंपोडेंडो डिविडेंडो रूल, दोनों का सम ऊपर नीचे, दोनों डिफरेंस, सम अपॉन डिफरेंस ऊपर नीचे। फास्ट करो, 85 कितना रहा है, 0.02। हो गया, रेजिस्टेंस ऑफ 100 सेंटीमीटर लॉन्ग पोटेंशियोमीटर वायर इज 4 ओम, इट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद बैटरी ऑफ 2 वोल्ट, रेजिस्टेंस ऑफ 16 ओम, देन पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट का फार्मूला बताओ, जो जो डेटा दिए हैं उसके आधार पर। वी दिया है क्या, लेंथ दिया है 4 ओम, रेजिस्टेंस दिया है, कनेक्टेड इन सीरीज विद बैटरी ऑफ 2 वोल्ट, वी वी वाई एल तो होता, लेकिन वी कैसे, वी निकालो ना पहले, एक्स इक्वल टू फार्मूला, चलो वी वाई एल लगाओ, वी को लिखेंगे आई आर ए बी बाई एल, आई को क्या लिखेंगे ई डिवाइड बाय आर प्लस आर एच प्लस स्मॉल आर इंटू आर ए बी बाय एल, ये लगेगा। देखो इधर ई की वैल्यू बोलो कितनी है, 2 है, आर की वैल्यू कितनी है, 4 है, रियोस्टेट है इसके अंदर, रेजिस्टेंस जितने हो सब ऐड कर दिया करो, 14 ओम, ये 16 दे दिया है, 4 ये दिया है, रियोस्टेट है, 16 और 4 20 हो गए, सीधे लिख दो डायरेक्ट 20 प्लस इंटरनल है क्या, देखो देख लो उसमें इंटरनल है क्या, रेजिस्टेंस 100 इतना, 4 ओम इतना, रेजिस्टेंस ऑफ 16 ओम नहीं है, इंटरनल नहीं है तो छोड़ दो, हाँ रियोस्टेट होगा। देखो तीन रेजिस्टेंस होते हैं, तीन में से इन तीनों में हो सकता है कोई एक दिया हो, कोई दो दिए हो, या तीनों दिए हैं, तो इसमें आर दिया है, ये वायर आर आर होता है बाय वायर का, आर एच होता है रियोस्टेट जो सेल के साथ लगाते हैं, ठीक है, और सेल के साथ एक सीरीज में भी होता है, वो इंटरनल होता है, तो इंटरनल दिया नहीं है, इंटरनल ज़्यादातर 1-2 वोल्ट ही होगा, 1-2 ओम ही होगा, वो ज़्यादा नहीं होता, तो 20 हो गया, और अपने को तो नीचे सबको सम करना है, जितने रेजिस्टेंस दिए हो ढूंढ के सबको सम कर दो बस, कोई चक्कर ही नहीं है, तो हमारे पास तो 2 ही दिए हैं ना, 4 दिया और कितना दिया है 16 दिया है, तो 20 कर दिया खत्म। आर ए बी बोलो, आर ए बी ध्यान रखना ये 16 है, लेंथ कितनी है 100 सेंटीमीटर, मीटर में चेंज करोगे तो 10^-2, अगर अपने को आंसर मीटर में चाहिए पोटेंशियल ग्रेडियंट तो, अदरवाइज सेंटीमीटर में ही चाहिए तो फिर मत लिखो, क्या कट गया, ये हो गया 10, 16/1000 यानी हो गया 16×10^-3 यही हो गया वोल्ट पर सेंटीमीटर, देखो यही है क्या, यार है, और मीटर में चाहिए तो इसमें क्या करो 10^-2 कर लो, और एक हो गया 16 रह गया केवल, नहीं एक ये भी रह जाएगा 10, 1.6 रह जाएगा, तो 1.6 वोल्ट पर मीटर आ जाएगा। ठीक है, हो गया, नेक्स्ट अब आ जाओ 86। इन ओपन सर्किट ऑफ सेल द बैलेंस लेंथ ऑफ ऑप्टेंड इज 120 सेंटीमीटर, व्हेन इट इज कनेक्टेड विद अ शंट रेजिस्टेंस ऑफ 15 ओम द बैलेंस लेंथ 100 सेंटीमीटर। अब जरा चेक करो, ओपन सर्किट, ओपन सर्किट में मतलब सेल का ईएमएफ हो गया, वो ओपन सर्किट में सेल का ईएमएफ कहाँ पर बैलेंस हो रही है, 120 पर, तो ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या ई इक्वल टू एक्स एल लिख दें, एक्स यानी 20 पहला आ गया। अब
व्हेन शंट रेजिस्टेंस, शंट का मतलब होता है पैरेलल, शंट का मतलब है पैरेलल, ठीक है, याद रखना। शंट रेजिस्टेंस ऑफ 15 ओम मतलब जो हमारे पास पहले जो भी रेजिस्टेंस था, ठीक है, उसके उसमें हमने 15 ओम का रेजिस्टेंस लगाया तो हमें क्या मिला, बैलेंस लेंथ 100, यानी शंट रेजिस्टेंस है। अच्छा एक काम करो, इसकी ज़रूरत ही नहीं है वैसे तो, अपन तो ये लगा लेना फार्मूला, इंटरनल चाहिए तो क्या फार्मूला था, आर एल वन बाय एल टू माइनस वन, ये लगाओ, ठीक है। आर शंट रेजिस्टेंस है कितना, 15, एल वन ये ज़्यादा होगा या कम होगा, ये रहेगा क्या बोलो, ठीक है, हमेशा ये एल वन ज़्यादा होगा। शंट लगा देंगे तो पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएंगे यानी कम हो जाएगा, तो बैलेंसिंग लेंथ भी कम हो जाएगी। एल वन कितना ले लूँ, 120 डिवाइड बाय 100 माइनस वन, सॉल्व कर लो, 15 इंटू कितना हो गया, 6 बाय 5 माइनस वन, तो 15 इंटू 1 बाय 5 यानी 3 ओम रेजिस्टेंस आ गया, ठीक है, बोलो यही आ रहा है क्या, चला कुछ दिमाग। इन द फॉलोइंग फिगर द पोटेंशियोमीटर वायर इज 5 ओम, लेंथ इज 10 मीटर, देन व्हाट विल बी द बैलेंसिंग लेंथ ऑफ सेल ऑफ ईएमएफ 0.4, 0.4 के लिए ये बैलेंसिंग लेंथ निकालनी है, किया, पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल के आ जाएगी, पहले पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल लें, एक्स, एक्स इक्वल टू क्या होता है ईएमएफ कितना, 5 वोल्ट डिवाइड बाय, जब एक्स निकालते हैं ना तो ये सेकेंडरी वाला सेल नहीं देखते हम, ये वाले देखते हैं केवल सर्किट में, क्या है 5, क्या फार्मूला है, ये फार्मूला है ना एक्स का, अभी देखा था, एक्स इक्वल टू बी ए बी बाय आर, बी को लिखते हैं आई, आर ए बी बाय एल, आई कैसे निकालेंगे, इस प्राइमरी की करंट निकालो, 5 डिवाइड बाय नेट रेजिस्टेंस 45, और इसका कितना है 5 ओम है, 45 और 5 कितने हो गए 50, और कुछ तो दिया नहीं है, ये करंट आ गई बी वाई आर से, अब आर ए बी है किसका, इसका 5 है, लेंथ कितनी है लिखा है 10 मीटर है, 10 मीटर ठीक है, काट दो 1/20 आया क्या, बोल्ट पर मीटर, ये आया एक्स, ये आ रहा है, अब आ जाओ क्या चाहिए, इसको बैलेंस करना है ना, तो इस 0.4 को बैलेंस करना है, तो वी इक्वल टू क्या होता है एक्स एल, वी कितना है 0.4, एक्स निकाल लिया, वी कितना है 0.4, एक्स कितना आया 1/20, एल कितना है पता नहीं है, निकालना है, 20 का 4 मल्टीप्लाई कर दो 8, यही उत्तर है, यही आंसर है, 8 मीटर, 8 मीटर पर भी ये बैलेंस होगी, ठीक है, आगे बढ़ें। दूसरे वाले का चेक करते हैं, हाँ ये करवा तो दिया था मैंने, 8/7 ठीक है, इसको यहाँ से जंप करा दो, ऊपर उठा दो इसको, इसका कितना हो जाएगा 2r/3, r और r ऐड करो इसके साथ, पैरेलल हो जाएगा, ठीक है, क्या आंसर है 8/7। 89 पर आ जाओ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, 89 पे इंपॉर्टेंट डाल लो, रीडिंग ऑफ गैल्वेनोमीटर इज 0, इसमें से इसकी रीडिंग 0 है, तो एक्स की वैल्यू बताओ,
गैल्वेनोमीटर की वैल्यू जीरो है, मतलब इसमें से गैल्वेनोमीटर कहाँ लगा है, बीच रास्ते में, क्या नापेगा, क्या मेजर करेगा, करंट। ठीक है, रास्ते में फंसा हुआ है तो ये करंट मेजर करेगा, क्योंकि करंट ही तो जाती है रास्ते से, तो ये करंट जीरो है। तो एक्स की वैल्यू बताओ, करंट जीरो कब है, करंट कब जीरो होती है, जब पोटेंशियल सेम होता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ऐसा रहा होगा कि इस पॉइंट का पोटेंशियल, इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, इसलिए इसमें से गैल्वेनोमीटर से करंट नहीं जा रही। तो देखो इधर ये कितने वोल्ट है, ये कितने वोल्ट है, 2 वोल्ट। ये कितना ओम है, एक काम करें, इसमें से तो करंट जा नहीं रही, तो इधर ही करंट निकाल लो, इसमें कितनी जा रही है, कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे, ऐसे निकालोगे आई इक्वल टू बी वाई आर से। बी कितना है, 12, आर कितना, 500, और एक्स कितने हो गए, 500 प्लस एक्स, ये हो गया। अब ध्यान से सुनना जो मैं बात कर रहा हूँ, इम्पोर्टेंट, इसमें कोई करंट नहीं जा रही, तो इसका मतलब ऐसा तब हो सकता है जब एक्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ये 2 वोल्ट के बराबर हो जाए, क्योंकि इसका तो जीरो है। ठीक है, इसका सपोज 2 है, ठीक, इसका भी जीरो है, इसके इधर का कितना हुआ, 12 हुआ इस पॉइंट का, तो ये जीरो, ये 2 है, तो एक्स के अक्रॉस भी कितना हो जाए, 2 हो जाए, तो इसमें से करंट नहीं जाएगी। तो हम यहाँ कहेंगे फॉर आई जी इक्वल टू जीरो, क्या कंडीशन होनी चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एक्स इक्वल टू क्या होना चाहिए, 2 वोल्ट, क्योंकि इधर क्या है, 2 वोल्ट है। तो अब इस एक्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालोगे, ओम्स लॉ, वी इक्वल टू आई आर, आई आर, ठीक है, इक्वल टू 2, आई कितना ये निकाल लिया अपन ने, 12 डिवाइड बाय 500 प्लस एक्स, आर कितना, खुद एक्स है, इक्वल टू 2, सॉल्व करो जरा, एक्स की वैल्यू निकालो कितना आ रहा है, 2 से काट दो ये, 6, तो ये हुआ 6x बराबर 500 प्लस एक्स, 6 में से एक्स चले गए, एक्स इक्वल टू ये कितने बचे, 5, एक्स इक्वल टू 100 आ गया, 100 ओम, इसकी वैल्यू होगी 100। ठीक है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इसके बराबर है तो करंट इसमें से नहीं जाएगी। नाइन्टी बोलो, हो गया, किरार भाई ए और बी के बीच में निकालना है ना, हाँ, तो ये कितना है, ये 2R हो जाएगा, आर बाई 2R, ये 2R बाई आर है, उल्टा है ये, रिवर्स व्हीटस्टोन ब्रिज है ये व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है,
इधर आ रहे हैं, इधर टू आ रहे, इधर उल्टा टू आ रहे, फिर आ रहे, तो आर वाई टू आर और टू आर वाई फिर आर हो गया। तो ये इसको बोलते हैं रिवर्स व्हीटस्टोन ब्रिज। ये इस वाली मेथ इससे नहीं होगा, व्हीटस्टोन ब्रिज वाली मेथड से, इसके लिए अलग फार्मूला है। इसको अभी छोड़ दो, ये बता देंगे अभी। रिवर्स इसको लिख दो, रिवर्स व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। ये ट्वेल्थ में नहीं है एक्चुअली, ये अब पहले आते थे एनसीईआरटी में, इसमें नहीं है, तो ये दे दिया है। फिर भी अगर आ जाए तो इसके लिए एक ऑब्जेक्टिव की ट्रिक होती है, वो ये होती है कि इसको आप वैसे ही सॉल्व कर लो जैसे बैलेंस होता है। तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का क्या आएगा, अगर आर की वैल्यू वन मान लूँ तो ऊपर थ्री हो गए, नीचे भी थ्री हो गए, थ्री बाई टू 1.5 आएगा। तो जैसे हमारा आया 1.5, लेकिन इसका आंसर होगा 1.4। तो आंसर क्या हुआ, 1.4 आर। मतलब जैसे 1.5 आए तो पॉइंट में एक कम कर दो, 15 आए हमारा तो एक कम कर दो, 14 ले लो। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने की ट्रिक है, बाकी सब्जेक्टिव में ये नहीं आएगा क्योंकि एनसीईआरटी से हटा दिया है पर, ठीक है। तो ट्रिक क्या है, आप सीधे सीधे क्या करो, कैसा भी दिया हो, बैलेंस अनबैलेंस कुछ भी, हम तो सीधे सॉल्व कर लें ये बीच वाला हटा के। तो कितना आया, मान लो हमारा आया 1.5, तो आंसर क्या होगा, 1.4। लेकिन 1.5 भी उसमें ऑप्शन में दिया होगा, इसलिए वो मत लगाना, पॉइंट में एक कम लगाना, ठीक है। यस 91 पे आ जाओ। ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का है, ये अपन अभी करेंगे, अगले टर्न से स्टार्ट करेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ये वाला कर सकते हो, 92 करो, अभी बताया, करो सभी लोग, मैंने आप करो, जरा दो मिनट का समय दे रहा हूँ, करो। कितना रहे, देखो बड़ा सिंपल है, स्टेडी स्टेट की बात कर रहे हैं, तो इस कैपेसिटर से कोई करंट जाएगी क्या, नहीं जाएगी, ये तो कैपेसिटर है ना, तो कैपेसिटर से कोई करंट जाएगी नहीं। ये वाली ब्रांच हटा दो, तो पहले सर्किट करंट निकालो जो ऐसी जाएगी, इस ब्रांच में करंट जाएगी ऐसी, तो I इक्वल टू क्या होगा, E बाय बोलो R2 प्लस R। अब वो बताया था ना C पर क्या चाहिए, चार्ज चाहिए, तो इस C वाली ब्रांच के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। तो ये जो AB और ये वाला ब्रांच है, ये वाला ये पैरल है, तो हम ये वाला नीचे रेजिस्टेंस है, जहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना आसान हो उससे निकाल लो। तो इसका निकाल लें आर टू पे, आर टू पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, वही आएगा जो वी ए बी पे आएगा। फार्मूला आई आर लगाओ, आई कितनी जा रही है इसमें, ई डिवाइड बाय आर टू प्लस स्मॉल आर, आर क्या है, ये आर टू है। अब ये जो भी है, ये भी पूरा का पूरा किस पे आ जाएगा, सी पर, क्योंकि दोनों पैरेलल में है। इस आर वन पे आएगा क्या, इस आर टू के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आया वो ए बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, और ए बी का पोटेंशियल डिफरेंस आर वन में बटेगा क्या, क्योंकि आर वन में करंट ही नहीं है। आर वन में पोटेंशियल ड्रॉप तभी होते हैं जब करंट जाती है, लेकिन कैपेसिटर में करंट की जरूरत नहीं है, चार्ज हो गया तो पोटेंशियल ड्रॉप होंगे, ठीक है। तो कितने होंगे, क्यू इक्वल टू सी वी से, सी कितना है, सी है, वी कितना है, जो आ गया ये ई अपॉन आर टू प्लस आर इंटू आर टू, यही आंसर है। ठीक है, कितना आंसर आया, सी ई आर टू बाय आर टू प्लस आर, सी ई आर टू अपॉन आर टू प्लस आर। नाइन्टी थ्री पर आ जाओ, ये भी वैसा ही है, करो करो अपने आप, ये कैपेसिटर है। सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस प्रिंट है, यहाँ नहीं दिया तो यहाँ याद रखना पड़ेगा, इसमें ऐड होगा। सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम है, फाइंड द चार्ज ऑन दिस कैपेसिटर, बताओ।
मेथड ये है कि देखो ये इस तरह से एक लैडर है, सीढ़ी है और इन्फाइनाइट तक जा रही है। एक तरफ दो पॉइंट होंगे ए बी ओ, दूसरी तरफ वो इन्फाइनाइट तक जाएगी। तो इसमें क्या होता है कि हर पैटर्न बार बार रिपीट होता है। देखो आर वन आर टू आर थ्री एक पैटर्न है, फिर आर वन आर टू आर थ्री सेम पैटर्न, फिर आर वन आर टू आर थ्री सेम पैटर्न, फिर सेम पैटर्न, कब तक? इन्फाइनाइट तक। तो अगर मैं ए बी के अक्रॉस रेजिस्टेंस निकालूं इस पूरी सीरीज का, तो मान लो आर आया पूरे पैटर्न का, और मैं अगर इन इस पहले वाला पैटर्न हटा के इधर एक्स वाई पॉइंट मान लूं, इसको हटा के इधर से निकालूं, तो कितने का कितना आएगा बताओ? इतने का कितना आएगा? ए बी में भी तो इन्फाइनाइट तक ही जा रहा है। तो इस पूरे सर्किट का ए बी के क्रॉस ए आर है। अब ये इसको हटा लूं, फेंक दूं इधर से निकाल के, अब एक्स वाई से निकालूं तो कितना आएगा? अभी भी आर ही आएगा। क्यों? क्योंकि ये इन्फाइनाइट पैटर्न है ना। इन्फाइनाइट पैटर्न में से एक पैटर्न हटा भी लो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, समुद्र है ये। तो ये आएगा, यही आ रहा है। अब हमें तो आर निकालना था, तो बस यहीं पे छोड़ दो इसको। मैंने बताया ना मेथड याद करनी है, तो ये मेथड हो गई। अब एग्जाम में आपको आर वन आर टू आर थ्री की वैल्यू दी हो तो इस इक्वेशन में रख के आर की वैल्यू निकाल लेना, ठीक है? समझ आई? अब हिंट लिखो, ठीक है? आप करके लाओ, क्योंकि इतने करा दिए मैंने, अब आप खुद करना है, फिर मैं करा दूंगा। 96 में क्या होगा? 96 कर लेना, खुद आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है बस। ई और ई ये पैरेलल में है, तो ई और ई का पैरेलल कॉम्बिनेशन ई रहेगा, इसमें टू ई वो नहीं करना। अब आ जाओ 97। व्हेन स्विच ऑफ एंड व्हेन ऑफ होगा तो ये दोनों सीरीज हो गए, फिर दोनों पैरेलल। क्लोज होगा तो पहले दोनों पैरेलल, कैसे? सिमेट्री बन रही है, इसको ऊपर ले लो, इसको नीचे इस तरह से ले लो। अब कर लोगे, इसमें आ जाओ, जंप कराओ, सिमेट्री बन रही है, इसको खोलो, इसको खोलो, इसको खोलो, इसको खोलो, कितनी ब्रांच हो गई? एक ये वाली, 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 ठीक है? कर लोगे? एक सौ चार यहाँ भी जंप करा सकते हैं, इसको यहाँ से हटा दो, इधर से उधर हटा दो, ठीक है? इधर से तोड़ना है इसको, इधर से इसको तोड़ना दूर दूर। अब मेरे करने के लिए क्वेश्चन है ये 105। व्हाट इज द पोटेंशियल एट पॉइंट पी? इस पी पॉइंट का पोटेंशियल क्या है ये निकालना है, इस पी पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, कैसे निकालेंगे? ये कितने बोल्ट प्रिंट है जरा देखना, ये वाला 18 या 8? 8 बोल्ट, ठीक है? ये 4 ओम है, ये 1 ओम है, और ये 2 ओम है, ठीक है? ये कैपेसिटर 3 माइक्रो फेराड का है। क्वेश्चन है स्पीक का पोटेंशियल क्या है। किरचॉफ फर्स्ट लॉ लगाइए। फर्स्ट लॉ ये कहता है कि इसमें जो भी करंट जा रही है, इसमें जो भी करंट जा रही है, इसमें जो भी करंट जा रही है, उसका सम, तीनों का सम 0 होता है, ठीक है? तो इस जंक्शन के लिए मान लो इसमें करंट I1 है, इसमें I2 है, उसमें I3 है, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0। ऐसा करने के बाद अब सुनो ध्यान से, हम I1 निकालना चाहते हैं, तो I1 क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? इन दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस 8 माइनस VP या VP माइनस 8, एक ही बात है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि या तो इसको लोएस्ट मानो P को, तो दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस एंड दिस माइनस दिस करो, या हाईएस्ट मानो तो फिर दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, तीनों के लिए सेम करना है।
ये आपके ऊपर है कि पी अननोन है, आप क्या मान रहे हो। तो सिंपल तरीका है, आप सबसे लोएस्ट मान लिया करो कि पी अज्यूम कर लिया कि वो आसपास जितने पोटेंशियल हैं सबसे कम है, कितना है वो अपने आप आ जाएगा, ज़्यादा है तो वो भी आंसर में आ जाएगा। तो अगर मैं इसको लो मान लूँ तो बताओ ये क्या लिखूँगा, 8 माइनस वी पी डिवाइड बाई रेजिस्टेंस कितना था 4, आई टू क्या लिखूँगा, ये 3 था, कितना था, ये कितना था 3 माइनस क्या होगा वी पी डिवाइड बाय 1 प्लस आई 3 के लिए बोलो। अब आई 3 में यहाँ से देखो ये अर्थ से कनेक्ट है तो 0 माइनस वी पी, यानी वी पी 0 से भी कम हमने अज्यूम किया, डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 0। सॉल्व करके वी पी निकालो, यही आंसर है, सॉल्व करो और वी पी निकालो, यही आंसर है। करंट इन 2 ओम, इसकी हिंट दे रहा हूँ, ये मैं करूँगा नहीं, हिंट दे रहा हूँ, ये जो जितने यहाँ पर 0 0 है ना अर्थ से कनेक्ट, इनको आपस में मिला सकते हैं, सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट को मिला सकते हैं, तो ये पूरा एक सर्किट बन गया। और जहाँ डब्ल्यू डब्ल्यू लिखा है वो ओम है, और पूछा है करंट इन 2 ओम, तो इस 2 ओम इस 2 ओम में आप करंट निकाल लेना। 107 उसी क्वेश्चन पर बेस्ड है जैसा कि ये 105 था, ठीक है, ये वी निकालना है, किरचॉफ लॉ लगाएंगे।